विजन देखने वाले तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से सलाम। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू की सैनिक कॉलोनी से, जहां पर आप ये ट्रक्स देख रहे होंगे। ये ट्रक्स जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी अभी चवादी के इलाके से बरामद की है। और इन ट्रकों में क्या हो आपको आगे भी दिखाते हैं। इन ट्रकों में माल मवेशी भरे हुए हैं जो कि चोरी किए गए हैं, और अभी पता नहीं ये ट्रक्स कहां ले जा रहे थे। आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, ये तस्वीरें हैं जिनमें भरे हुए हैं माल मवेशी। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तस्करी का बाजार जो है गर्म है। और अगर हम बात करें इंतजामिया की, तो इंतजामिया इन पर कार्रवाई करने के हवाले से जो फिलहाल कामयाब साबित हो रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मवेशियों को यहां से फिर कहीं और भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें आप आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये चार ट्रक्स है जहां पर चवादी का एक इलाका है वहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कई बार इस जगह पर काफी कोशिश की थी छापे मारने की, लेकिन वहां पर जो है आज पुलिस जो है कामयाब हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर जो है माल मवेशियों को जो है स्मगल करके किसी और रियासत में ले जाया जाता है। और आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस तस्करी के बाजार को जो है फाश करने के हवाले से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। और कार्रवाई के आप देख सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में कई तादाद में जो है पशु, यानी जो भी बाकी रियासतों से चोरी की गई वारदातों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अक्सर आप चोरी की वारदातें देखते होंगे। और ये जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कार्रवाई की है। और चवाड़ी के इलाके से आपको बता दें, एक बार फिर जम्मू के चवाड़ी इलाके से ये बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर काफी देर तक स्मगलिंग का कारोबार जो है चल रहा था, और स्मगलिंग के कारोबार का पर्दाफाश जो है आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अक्सर जो है हमें जम्मू कश्मीर से खबरें सुनने को मिलती है कि कई सारे की कई सारे गरीब लोगों की जो है जानवर जो है उनकी चोरी की वारदातें हमें देखने को मिलती हैं। कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनके जो पशुपालन है, उनके जो पशु है उनको चोरी किया जाता है। और आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसी तरह एक बड़ा जो है बड़ी तादाद में मवेशियों को स्मगल करने वाले जो है ट्रक्स, फिलहाल आप देख सकते हैं ये चार ट्रक्स यहाँ पर मौजूद है जिनको यहाँ पर जो है फिलहाल रखा गया है। और आगे की कार्रवाई पता चलेगा कि कौन कौन इस स्मगलिंग में मुलव्वस है। जिस हिसाब से आप ट्रक्स भी देख सकते हैं, ये हरियाणा की ट्रक एक है, दूसरी नंबर भी आप देख सकते हैं HR38S5282, ये गाड़ी का नंबर है। फिलहाल अभी कोई इतला नहीं मिली है कि किस शख्स को मौके से पकड़ा गया है, लेकिन फिलहाल ये चारों ट्रक जो है पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इन चारों ट्रक्स को जो है जब्त किया गया है। ये ट्रक्स भी आपको दिखाना चाहूंगा, और ये नंबरात भी इन ट्रक्स के। एक और गाड़ी जो है JK13D9A98, ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं, ये इसी रियासत की गाड़ी है। दूसरी गाड़ी अगरचे हरियाणा की है। और फिलहाल चार ट्रक्स जो है फिलहाल यहाँ से बरामद की गई है। आपको आगे का हाल भी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल इस पुलिस पोस्ट पर इन गाड़ियों को रखा गया है, सैनिक वाली पुलिस पोस्ट में। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में चार नंबर आप देख सकते हैं 6331224, ये गाड़ी है। और इस गाड़ी को यहाँ पर बरामद किया गया है चवाड़ी के इलाके से। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं पुलिस पोस्ट की तस्वीरें जहाँ पर इन गाड़ियों को रखा गया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि लगातार कार्रवाई जो है पशु तंत्रों के ऊपर हो रही है, और बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। लगातार जिस प्रकार से हमने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया पुलिस की यहाँ पर ऐसे मामले जो है वो नजर नहीं आते हैं। इन गाड़ियों को लाया गया है, बड़ी तादाद में आपने भी सुना होगा, अक्सर आप सुनते रहते हैं कि कई सारे लोग जो है शिकायत दर्ज करते हैं कि उनके पशु जो है वो चोरी हो जाते हैं, और चोरी की वारदातें रिपोर्ट लिखी जाती है उन वारदातों की, अक्सर कश्मीर में भी आपने सुना होगा। और आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन पशुओं से लदी गाड़ियां जो है यहाँ पर पकड़ी गई है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं तो नहीं
गाड़ी है ये, जिस गाड़ी को पकड़ा गया है और इसमें काफी तादाद में जो है पशु जो है काफी तादाद में यहाँ पर पकड़े गए हैं। और फिलहाल किसी शख्स के गिरफ्तार होने की कोई इत्तला जो है अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ से इस गाड़ी में सारा जो सामान है इस गाड़ी में ये पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल नई गाड़ी है। और इस गाड़ी का नंबर भी आपको दिखाते हैं, यहाँ से इस गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ है HR 6TC1224। ये नंबर है इस गाड़ी का जो कि हरियाणा की गाड़ी है और हरियाणा की लगभग 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है और तीन गाड़ियां जो है बरामद हुए हैं। तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरह यहां पर जो कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की है, बर्बस कार्रवाई में कहूँगा मैं। बार बार ये कहता हूँ कि आए रोज हमें शिकायत मौसूल होती है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनके पशु जो है चोरी होते हैं, चोरी की वारदातें बढ़ गई है। और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर काबू पाने के हवाले से 4 ट्रक को जिनमें पशु लदे हुए हैं इनमें जो है, और अभी ये कहना कबलज़ वक्त होगा, फिलहाल किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक और गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस नंबर में भी टेम्परिंग लग रही है HR 38S 5282। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नंबर प्लेट्स लगाए गए हैं, एक नंबर प्लेट अगर यहाँ पर लगाया गया है तो वही दूसरा नंबर प्लेट जो है यहाँ पर लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर तस्करी जो है, अमूमन हम देखते हैं कि तस्करी के वाकयात जो है उनमें इजाफा होता है, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस बड़ी कार्रवाई में आप देख सकते हैं किस तरह से जो आप देख सकते हैं किस तरह से जानवरों से लदी ट्रक जो है यहाँ पर पकड़ी गई है और किस तरह से इन जानवरों को भी रखा गया है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद ये शायद ये जानवर जो है वादी कश्मीर या दीगर जितने भी इलाके जाता है या दूसरी किसी रियासत में भेजे जाते। फिलहाल आप ये तस्वीरों में हाल देख सकते हैं, कई सारे लोग बेचारे परेशान रहते हैं कि कई सारे लोगों के जानवर जो है चोरी होते हैं और चोरी करने के बाद इन जानवरों का क्या कुछ होता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस ट्रक में, इन ट्रकों में, 4 ट्रकों में ये जानवर लदे हुए हैं। और तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आए रोज जो चोरी के वाकयात जो है उनमें इजाफा होता है, वजूहत क्या है इस चीज़ के पीछे, लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया है वाकई काबिल तारीफ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं।